हैप्पी दिवाली गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। फिलहाल मैं दुकान पे हूँ और ताज्जुब की बात यह है कि कल दिवाली तो अच्छे से चला गया, लेकिन आज दुकान में कस्टमर तो इतना ज़्यादा है नहीं। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हम सामान बेच ही लेते हैं। और अभी सर्दी आ रही है तो जूता मोजा भी चला जाएगा। हम जूता तो नहीं बेचते लेकिन मोजा बेच देंगे। और दूसरी बात कि अभी जो भी है थोड़ा थोड़ा करके हम बेच रहे हैं। और मुझे ना रात को मेला है, अगर मेले में जाएंगे या फिर काली पूजा का भी मेला है बागान में, वहीं पर अगर जाएंगे तो दिखाएंगे। उसके अलावा दूसरी और जगह राजकीय में मेला है, वहाँ पर भी अगर जाएंगे तो दिखाएंगे। फिलहाल तो मैं जाता हूँ घर, क्योंकि मैंने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, दुकान पे बैठा हूँ ना सुबह से। और सुबह थोड़ा थोड़ा करके कस्टमर आया था तो बैठा हूँ दुकान पे, जो भी दिखाएंगे। वैसे अभी शाम हो चुकी है और शाम के टाइम पे चश्मा किया है, येलो येलो दिख रहा था। और हमने हमारे टीम में, मतलब हमारे यहाँ पे जो गली है ना, तो हमारे गली की टीम ने सबने मिलकर बाहर दिखा दिया दिया लगा दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे दुकान के आगे भी है, मैंने ऊपर लाइट लगाया था पूजा से पहले, मतलब दुर्गा पूजा में ही लगाया था। अब बाहर देखो दिया दिया, कितना अच्छा लग रहा है। चलो दूर से दिखाते हैं। बात का डर तो ये है कि कल रात तो मैंने बम फोड़ दिया था बाहर, और उसका जो गोला है ना, हाका गोला, मेरे आज दुकान खोला झाड़ू दिया तब मुझे दो दो गोले मिले बर्फ के, मतलब आग के बम के गोले मिले हैं। उसको देख के मेरा हवा टाइट हो गया, मतलब अंदर का होगा तो नीचे कारपेट है, चल जाएगा तो क्या होगा। गोला मिल गया था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर था एक कि कुछ हो जाए तो क्या होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, आज बाहर बम फोम नहीं पड़ेंगे, सारा सामान अल्लाह डाल के दुकान बंद करके फिर जो भी करेंगे। तो वैसे ये हमारी गली है, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारा पहला दुकान ही हमारा है। दूर से दिखाते हैं, चलो ये मेरा दुकान है। लाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा रोशन था ये बल्ब जो है ना, इस 440 पावर के बल्ब के लिए पूरा मोहल्ला पोहर हो जाता है, रोशनी हो जाता है, वहाँ तक आता है, वो होटल तक आ जाता है दुकान रोशनी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारी गली है, चलो अब चलते हैं अंदर। अंदर चल के देखते हैं कहाँ क्या होता है। कि मैंने दुकान में तो सारा सामान डाल ही लिया है और एक कस्टमर को सामान भी दे दिया है, और बाहर थोड़ा सामान बाकी है, जैसे ये और ये और ये, इन तीनों को अंदर ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं बाहर का व्यूज दिखाता हूँ। तो बाहर देखो मेरा दिए लाइट थोड़ा ऑफ कर देंगे तो मैं मालूम होगा। हाँ अब देखो दिए, अब अच्छा लग रहा है। बाहर भी ये दिए हैं, वो देखो सूरभ कैसा भौंका की तरह देख रहा है, देखो क्या कर रहा है भौंको। तुम चाय बना, अपना ड्यूटी नहीं बना। तो फिलहाल मैं लोगों को दिखाता हूँ और दुकान को करता हूँ बंद और जाएंगे काली पूजा देखने। करेंगे और जाएंगे काली पूजा देखने, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा घर और जो भी हो दिखाएंगे क्या ही ब्लॉग। जो भी हम उपेंद्र के दुकान के सामने हैं और वहाँ पे देखो आतिशबाजी टपक टपक। कितना अच्छा लगता है। खत्म टाटा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ और हमारे छोटे भाई को देखो कहाँ उठाए। दादा अरे दादा, म्याओ कोई भाव ही नहीं देता, अपने काम में व्यस्त है, पता नहीं क्या कर रहा है। उधर खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। चलो लगे रहो मुन्ना भाई, उतरता ही नहीं है, डरता भी नहीं है। अब चलो हम जाएंगे पूजा देखने, चाहे तो पी लिया, 8 बजे हैं, अब चलो पेट्रोल भराएंगे। नखरा देख के देखो कैसा कर रहा है, मुंह बना रहा है। तो इसका मुंह बाद में देखेंगे, पहले इसे फोड़ते हैं, फिर इसका रिएक्शन देखते हैं। छूने के लिए चाहता है,
तो गाइस ये रहा हैप्पी हैप्पी दिवाली बहुत दुआ होता है। हैप्पी दिवाली गाइस। तो हो गया मेरा काम तमाम, तो इसे फेंकते हैं दूर और चलो अंदर चलते हैं। चलो 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 अभी हम बागान जाएंगे। बाय बाय गाइस। अभी रात के 8:30 बजे है। मैं सूरज और संजीव जा रहे हैं बागान की, और सर कहा क्या मेला लगा है क्या लगा है वो सब देखेंगे और जाएंगे। उसमें भी बिल्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो अब चलो हम चलते हैं, थोड़ा पेट्रोल भराते हैं। और ये घर भी बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा है, देखो कितना लाइटिंग हो रहा है। काश ये मेरा घर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन हो जाएगा। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, फिर भी देखो काम किया ऐसा कि खड़ा किया पिल्लर, लेकिन ये मेरा नहीं किसी और का है। तो चलो हम अपने पिल्लर पे चलते हैं। हम तीसरी मूर्ति फिर से आए हैं काली पूजा देखने। यहाँ तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, हम भीड़ से अलग चले। ऐसा तो मुझे शर्म आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पिछली बार भी ब्लॉग बनाया था तो इस बार भी बनाएंगे। और ये सूरज और संजीव है पीछे पीछे, चलो फिर दिखाते हैं और ये वो खा ले। নালাগে টপা দোকানৰ ওচৰত ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इतने भीड़ में भी देखो ये दोनों नमूने गेम खेल रहे हैं। और ये घर है, घर में ताला लगा हुआ है देख सकते हो, फिर भी घर का लाइट ऑन है, पता नहीं घर में क्या हो रहा है। ये क्वार्टर है लगता है, घर पहला दरवाज़ा बंद है, अंदर से लोग रहते हैं और अंदर में ही काम करते हैं, मतलब पीछे से जाते हैं शायद, ऐसा ही होगा। वैसे घर तो साफ ही है, लगता है कोई रहता होगा। अब चलो चलते हैं। দেখতে কাফি জাদা बैग दुकान भी है चश्मा के साथ, क्या क्या मिलता है। आए हैं बागान में, अगर बागान में आई है तो पूरा मेला का व्यू दिखा दे। Thank you.
ভৰি দিলে বেয়া কিন্তু দুদিন পিছত তো এটো ক্লিয়ার হৈ যাব তেতে মানুহে বাইক স্কুটি চলাই যাব আজি কালি এবিলাক নিয়ম নাই মোৰ ইয়াৰে ঘৰ ইয়াৰে ঘৰ যোৱাবাৰ এটো দিয়া নাছিলে লোহাৰটো গহপুৰ টাউনতে तो गाइस बात यह था कि वो जगह बलि दिया था और वह जगह पे पैर देना मना है, इसीलिए वैसा राउंड करके दिया है। और यह है काली मंदिर और अंदर है काली माँ। और ये मूर्ति ना डुबाते नहीं है, ये ज़िंदगी भर यही रहते हैं, पुरानी मूर्ति है। गाइस तो गाइस बगान में देख सकते काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। मेरा वॉइस ना मुझे एडिट करके देना पड़ रहा है और इस राउंड के अंदर तो कोई जा भी नहीं सकता। तो चलो जितना भी हो दिखाते हैं बगान का मेला और दुकानें। वैसे हम खाएंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, खाना पीना खाएंगे उसके बाद जाएंगे। पिंकी हॉट रहते थे लेकिन अब ये इस घर में कोई नहीं रहता, दुकान भी था अब तोड़ दिया। अब चलो हम भी चलते हैं, ये पुराना मंदिर है। चलो तो गाइस बगान के प्रेसिडेंट जो मेला कार्यक्रम का प्रेसिडेंट है उनकी बीवी मिल गई, जो मेरे दुकान से बैग भी लेके गई थी और वही मुझे कॉफ़ी पिला रही है फ्री में। तो चलो कॉफ़ी तो खा लिया, अब चलो रास्ते भर घूम घूम के जाते हैं। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, जितना उसके बनाएंगे काफ़ी ज़्यादा शो है और क्या ही ब्लॉग बने। दुकान दिया ना यार, दुकान भी शो है। देर से उठ रहा है तो मेरा दोस्त संजीव और सूरज पता नहीं कॉल कर रहा है, कॉल नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, सूरज तक कॉल ही नहीं उठा रहे। तो चलो मैं चलता हूँ वापस घर। तो गाइस मुझे मेले में मिल गए निकिता जो स्पाइरल पोटैटो का दुकान दी है, और साथ ही में मुझे पड़ी भी मिली जिसका भैया अब यहाँ पे सूप और कुछ भुजिया वगैरह बेच रहे हैं, तो वो भी खाते हैं और जो भी हो दिखाते हैं। हुआ पता है मुझे लॉटरी का टिकट था ना, मैंने एक बिना पैसा दिए लिया था, तो उस पर मैंने क्या किया, एक टोकरी मिला था 30 रुपीज़ टिकट दे के, फिर मैंने वो टिकट वापस टोकरी पर रख दिया, नहीं लिया। सूरज और संजीव ने मुझे धोखा दे दिया, 20 रास्ते पे भाग के चला गया। अब मैं उन्हें कहाँ ढूँढूँ, वो अगर आएगा तो आएगा वरना हम चला जाएगा।